तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जिन व्यूअर्स ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। सो उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, बिकॉज हमारी जो फैमिली है RC17 व्लॉग्स वो दिन बर दिन ग्रो करती जा रही है और इसी तरह चलते रहे तो एक दिन सारे टारगेट्स हम पूरे करेंगे। एंड गाइज आज हम प्लांटिंग वगैरह करेंगे, पौधे लगाएंगे काफ़ी सारे जिससे एनवायरनमेंट अच्छा रहे एंड साथ ही साथ रूम के अंदर भी कुछ प्लांट्स लगाएंगे ताकि वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो अच्छी फीलिंग आए, अच्छी वाइब्स आए। वैसे ऑलरेडी मैंने एक प्लांट लगा रखा है, एयर प्योरीफायर प्लांट है वो, ये स्नेक प्लांट लगा रखा है इस साइड में, इस कॉर्नर में। तो रूम के अंदर प्लांट्स लगाने से क्या होता है गाइज, उनको जब देखते हैं हम सोते हैं या फिर उठते हैं उस टाइम देखते हैं तो देखते ही नज़र जैसे ही जाती है तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जिनके कारण कि पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड साथ ही गाइज जो प्लांट्स मैं रूम में लगाऊंगा वो सारे एज अ सर्टिफाइड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, नासा द्वारा उन्हें रिकमेंड किया गया है कि हम अगर इन्हें अपने घर के अंदर या रूम के अंदर लगाते हैं तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, हवा को साफ रखते हैं। तो एक तो इस तरफ लगा हुआ है ये वाला, बट इस वाली कॉर्नर के अंदर कुछ मिसिंग लग रहा है अपने को, यहाँ पे टेबल पे भी एक प्लांट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा प्लांट लेके आया हूँ, ये परसों गया था मैं गंगानगर, तो इसका जो नाम है वो है लेमन ग्रास। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और साथ में हवा को ये फ्रेश रखता है। इसे भी प्लांट करेंगे, जैसे वो वाला प्लांट लगा हुआ है जिस पॉट में, सेम वैसा ही एक पॉट मेरे पास और पड़ा है, उसके अंदर इसे लगाएंगे और फिर इसे रख देंगे वहाँ पे। तो ये कुछ दिनों बाद ग्रो हो जाएगा, लगभग 15-20 दिन बाद, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड चलिए लगाते हैं फिर, ये तो बाद में भी कर लेंगे क्योंकि अंदर लगाना है तो अंदर लाइट्स वगैरह होती हैं, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो जो प्लांट्स बाहर के लिए लाया हूँ मैं घर के बाहर लगाने के लिए, पहले उन्हें लगा लेते हैं, बाद में अंधेरा हो जाएगा फिर वीडियो कैप्चर नहीं होगा अच्छे से। ये वाला मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है यहाँ पे इस कॉर्नर में, और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पड़ा रहता है और नीचे इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिससे कि म्यूज़िक वगैरह सुन लेते हैं कभी कभार। यहाँ पे अपना बेड है और इस तरफ भी एक और टेबल लगा हुआ है, इस पर नॉर्मली मेरा सामान पड़ा रहता है। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा था मेरे को, उधर देखते हैं तो वहाँ पे तो अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उस तरफ से, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा था इसलिए मैंने सोचा एक प्लांट यहाँ भी लगाएं। और इन फ्यूचर एक और प्लांट लेके आऊँगा मैं, उसे रखूँगा अपनी डेस्क पर जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पर मेरा PC पड़ा है, यहाँ लैपटॉप पड़ा है और यहाँ पड़ी है चेयर। तो एक छोटा सा प्लांट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रखने के लिए, तो जैसे हम वर्क वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आती है उसके देखते हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो प्लांट्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं उनको दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हैं, कौन कौन से हैं। ये घर के अंदर लगे हुए हैं सारे, घर के बाहर भी कुछ लगा रखे हैं, तो सारे मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ एक बार। की तरफ आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इसके अंदर प्लांट्स लगाने वाले हैं, इसमें एक दो प्लांट्स ही हैं। एक पौधा यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ये रहा, ये तो चल पड़ा, बट इस साइड में क्या है यहाँ पे कमी है प्लांट्स की। पहले लगाए थे काफ़ी सारे बट वो मुरझा गए, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे कुछ लगाएंगे।
बारी है इंडोर प्लांट को लगाने की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मिट्टी डाल ली है इस पॉट के अंदर, तो इसे लगाते हैं अभी। रूम के अंदर ही करेंगे सारी प्रोसेस। मिट्टी वगैरह डुलेगी थोड़ी बहुत, उसके लिए अपन न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं नीचे, फर्श भी लगाएंगे बैठ के, आराम से लगेगा, साथ में इधर उधर मिट्टी भी नहीं फैलेगी। यहाँ पे बिछा लेते हैं आराम से न्यूज़पेपर को, इसके ऊपर बैठ के इजीली वर्क करेंगे। तो ये लीजिए हमारा औजार और मिट्टी से भरा हुआ पॉट, एंड ये रहा हमारा प्लांट। तो गाइज फाइनली पौधा हमने लगा दिया, और ये रहा अपनी इस साइड में एक प्लांट, ये रहा और दूसरे वाला वो रहा। तो दोनों तरफ एक एक प्लांट लग चुका है, काफ़ी अच्छा अब लुक आ रहा है दोनों तरफ से। एक एक कमी रह रही है पूरे रूम में, एक प्लांट की कमी, जो कि फाइनली मैंने आपको बताया था, जो सामने डेस्क पड़ा है पीसी वाला, उसके ऊपर एक प्लांट लगाना है, तो वो अभी मेरे को मिला नहीं। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो लेके आऊंगा, फिर लगाएंगे उसको, बिल्कुल छोटे से पॉट के अंदर लगाएंगे। तो पूरी गर्मी के अंदर काम किया, अब नहाएंगे जाके, फिर डिनर वगैरह करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे 12 बजने का, क्योंकि आज है 30 तारीख और 12 बजते ही 31 हो जाएगी, और 31 को है अपना बर्थडे। तो खुद को विश हम हर बार करते हैं और इस बार भी करेंगे, तो खुद को विश करके उसके बाद ही सोएंगे। और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे मेरे बर्थडे वाले दिन, तो सुबह मैं इसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, अपलोड तो रात को ही कर दूंगा, बट शेड्यूल करके छोड़ दूंगा सुबह के लिए, तो सुबह आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। कल भी अगर हो सका तो मैं व्लॉग शूट करूंगा पूरे दिन का, क्या कुछ मैं करता हूँ। प्लीज मेरे कहने से एक प्लांट जरूर लगाइएगा अपने घर पे आज ही, आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं आज लगाएं, आज नहीं तो कल की तारीख में जरूर लगाएं। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।